हेलो दोस्तों, वीडियो टीम फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैमथ्रेसिया स्टूडियो 2020 के बारे में। इसका अपडेट आ चुका है कैमथ्रेसिया का, अगर आप इसको अपडेट कर चुके होंगे तो ये आपको मिलने वाला है। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या इसमें नया फीचर्स आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके होम पेज ही पे आपको मिल जाता है न्यू फॉर्म टेम्पलेट। तो ये एक नया फंक्शन जो इसमें ऐड किया गया है। इससे क्या होता है कि आप कोई भी टेम्पलेट को जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि टेम्पलेट बने से बनाए मिल जा रहे हैं। इनको अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंट्रो के बाद आपका मेन वीडियो होती है, उसके बाद आउट्रो होता है, तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं या कोई न्यू टेम्पलेट किसी को भी बना के दे सकते हैं। वीडियो का फॉर्मेट कि इस वीडियो के फॉर्मेट में मुझको वीडियोज़ चाहिए, तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो इस तरीके से आपका रहेगा टेम्पलेट, देख सकते हैं नीचे आपका इंट्रो है और स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा है कि ये यहाँ पे आपको ड्रैग करना रहेगा। तो कोई भी आपकी जो क्लिप रहेगी आपको सिंपली यहाँ पे ड्रैग करना रहेगा। तो यहाँ से हम एक क्लिप को जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं कैसे आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे बग्स जो है उनको फिक्स किया गया है और बहुत ही स्मूथ आपको यहाँ पे इंटरफेस और ये सब देखने को मिला है। जब भी आपका काम रहेगा, वर्क फ्लो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप इसको ड्रैग करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन आता है। अगर आप इसको रिपल करना चाहते हैं या एंड टू मतलब रिपल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि ट्रिम किधर से करना है, लेफ्ट से करना है कि राइट से करना है, वो यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जब भी कोई टाइमलाइन पे लाते हैं तो देख सकते हैं रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट, तो रिप्लेस फ्रॉम एंड, और क्लिप स्पीड पे क्लिक करेंगे तो क्लिप की स्पीड को मेंटेन करते हुए आपकी क्लिप जितनी भी बड़ी रहेगी इसी ड्यूरेशन में इसको इनपुट कर देगी। अगर आप रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट से उसको करेगी और आखिर की जो रहेगी उसको स्प्लिट करके उसको ट्रिम कर देगी। और उसी तरह स्टार्ट टू एंड करेंगे तो वो आखिर का लेके और शुरू का जो होगा उस पार्ट को ट्रिम कर देगी। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट के अंदर मतलब कोई भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके न्यू फीचर्स में आपको देखने को मिल जाएगा 2020 के अंदर। इसी तरह बढ़ते हैं इसके दूसरे फीचर्स की तरफ। यहाँ पे जो ऐड किया गया इसका नाम है प्लेस होल्डर एंड रिप्लेस मीडिया। तो ये भी एक तरीके से वैसा ही है, आप एक फॉर्मेट बना के किसी को दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी वीडियोस को आप रिप्लेस कर देंगे, प्लेस होल्डर कर देंगे, तो सिंपली उसको इम्पोर्ट करना रहेगा। और यहाँ पे राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। यहाँ पे कोई कमेंट्स दिख के आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या रखना है। तो प्लेस होल्डर में इस तरीके से एक फॉर्मेट बना के दे दिया जाता है। तो किसी भी वीडियोस को आप इम्पोर्ट करेंगे और उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसको प्लेस होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, या ऊपर आपको एडिट में भी मिल जाता है प्लेस होल्डर। अगर कीबोर्ड से पी दबा देंगे तो आपकी जो भी वीडियोस रहेगी वो प्लेस होल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह बढ़ते हैं इसके न्यू फीचर्स की तरफ। तो यहाँ मिल जा रहा है आपको पैकेज। इसमें क्या है कि अगर आप किसी को टेम्पलेट नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि उसके साथ पूरा प्रोजेक्ट जाए, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना होगा पैकेज एज अ पैकेज। तो यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं पैकेज का ऑप्शन मिल जा रहा है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको लोअर इंट्रो या थर्ड इंट्रो जो भी आप बनाना चाहते हैं उनका अगर पूरा असेट्स आप देना चाहते हैं एक्सपोर्ट करके, तो इस तरीके से आप किसी को भी अपने क्लाइंट को या किसी को आप दे सकते हैं पैकेज के साथ। इसी तरह अगर आपको पैकेज मिल रहा है तो किसी की पैकेज को आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। सिंपली आपको फाइल में जाना होगा और फाइल में जाके आप इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पैकेज होगा वो इम्पोर्ट भी हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे नया अपडेट आपको मिलने वाला है फेवरेट्स का। तो अगर आप कैमथ्रेसिया स्टूडियो यूज़ करते होंगे तो बहुत सारे टूल्स होंगे जो आपको बार बार यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे जब उस पर माउस ले जाएंगे तो एक स्टार बन जाता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके फेवरेट में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर आपको एक फेवरेट का सेक्शन मिल जा रहा है। यहाँ पे जो भी आप टूल्स ज्यादा यूज कर रहे होंगे वो आपके फेवरेट में मिल जाएंगे, तो आपको बार बार वहां पे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप एक ही जगह से इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने फेवरेट जो टूल्स रहेगा उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह बढ़ते हैं इसके दूसरे फीचर्स की तरफ। तो यहाँ मिल जा रहा है टाइमलाइन जो है इसको इनहेंस किया गया। तो टाइमलाइन में आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको अगर बात करें तो मैग्नेटिक टाइमलाइन मिलने वाला है। पहले क्या था कि हम दूर दूर पे अगर क्लिप रखते थे तो दूर दूर पे ही रह जाता था। अब यहाँ पे मैग्नेट का एक निशान बन गया, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी टाइमलाइन पे क्लिप जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड में हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी हम ड्रैग करके छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर लेगा और बीच में कोई भी ब्लैंक पार्ट नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके से आप टाइमलाइन को मैग्नेटिक रूप में आप बना सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं जब कोई ट्रिम करते हैं तो ऑटोमेटिक जो उसके बाजू की क्लिप है वो ऑटोमेटिक उसके साथ चलती रहती है। तो ये एक अच्छा फीचर्स ऐड किया गया है। कैमथ्रेसिया में इसकी कमी थी,
तो इसको भी ऐड कर दिया गया है 2020 के अंदर। इसी तरह बढ़ते हैं इसके दूसरे फीचर्स की तरफ, तो ये भी फीचर्स टाइमलाइनिंग में ऐड किया गया है। टाइमलाइन में आपको ट्रैक मैट्स का एक ऑप्शन दे दिया गया है, इसकी मदद से आप किसी का ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हैं उसके नीचे वाले लेयर के हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ऊपर की लेयर जो है वो नीचे की लेयर के साथ ब्लेंड मोड कर रही है। तो यहाँ पे अल्फा और ये सब अलग अलग इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे, उन सब मोड को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह टाइमलाइन के दूसरे इन्हेंसमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पे आप कोई भी क्लिप लाते हैं उसके मिडिल में, तो आप जैसे एक छोटी सी एरो बन जाती है। तो इस तरीके से दो मीडिया के बीच में अगर आप तीसरी मीडिया इंसर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ईजी हो गया। पहले क्या था कि दोनों मीडिया को अलग अलग करना पड़ता था उसके हिसाब से, उसके बाद बीच में हम कोई इंसर्ट कर पाते थे, लेकिन अभी ये इजी हो गया। आप बीच में बस लाके इसको ड्रैग करके छोड़ देना है, ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट कर लेगा। तो ये भी इसके टाइमलाइन में है जो है इन्हेंसमेंट किया गया है, और ये फीचर्स आपको 2020 के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसी तरह किसी भी मीडिया को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं प्लेस होल्डर में, तो सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको मिल जाता है प्लेस होल्डर। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी जो मीडिया प्लेस होल्डर में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे किसी को भी यह शेयर कर सकते हैं। इसी तरह बढ़ते हैं इसके दूसरे फीचर्स की तरफ, तो मीडिया बिन में जो है इन्हेंसमेंट किया गया है। अगर आप मीडिया को इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको नया फीचर्स देखने को मिलने वाला है। पहले क्या था कि इसके व्यू जो है बहुत ही कम थे, लेकिन यहाँ पे फिल्टर्स और ये सब ऐड कर दिए गए हैं। सॉर्ट कर सकते हैं अपनी मीडिया, जितनी भी मीडियाज रहेगी, अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको इजी हो गया होगा अपने मैनेज करने के लिए मीडिया बिन को। यहाँ जैसे थे थंबनेल्स व्यू, डिटेल्स व्यू और अलग अलग सॉर्ट करने की व्यूज जो है उसको दिए गए हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। इसी तरह बढ़ते हैं इसके दूसरे फीचर्स की तरफ, तो यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है रिकॉर्डिंग इन्हेंसमेंट। तो यहाँ पे जब अपनी स्क्रीन को जब कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नया फीचर ऐड किया गया है, ऑडियो का लेवल है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियो का लेवल था जो कम था, लेकिन यहाँ पे इसको बढ़ा के ज्यादा कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि पहले का था यहाँ पे 2019 में कुछ इस तरीके से, और 2020 जो है थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। तो ये सब फीचर्स ऐड किए गए हैं कम्प्टीसिया स्टूडियो 2020 के अंदर। अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत, थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।